सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह हम वर्ग छठा का अतीत से वर्तमान किताब का नौवां अध्याय प्रथम सम्राज का बनाया गया। बच्चों पिछले वीडियो में भी इस अध्याय पर हम लोगों ने चर्चाएं की हैं और इस अध्याय के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। इसमें खास करके अशोक के जीवन के बारे में पढ़े हैं, उसकी युद्ध के बारे में पढ़े हैं, उसकी जो मनोवृत्ति जो बदली है उसके बारे में उन्होंने बताया है। कालीन युग के बाद जो है उसका हृदय पर बर्तन हुआ है और वह जो है महात्मा बुद्ध के शरण में गया और वह बौद्धिक बन गया। बौद्धिक के बाद वह अहिंसा का मार्ग अपना लिया और जो है वह युद्ध से जो है कोसों दूर चला गया। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं और इसके जो है प्रश्नों की हम लोग चलते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो है हल करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न पहला है क नंबर, देखिए बच्चों प्रश्न कह रहा है वाला प्रश्न कि सम्राट अशोक कहाँ का शासक। तो सम्राट अशोक जो था वह मगध का शासक था, ठीक ना? इसमें लिखेंगे मगध। सम्राट अशोक जो था वह मगध का शासक। दो नंबर प्रश्न क्वेश्चन कह रहा है किसके उपदेश ने
सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? इसका आंसर होगा महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। अब कर रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कर रहा है अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च पदाधिकारी होता था। तो अशोक के साम्राज्य में जो प्रशासन का उच्च पदाधिकारी होता था उसे अमात्य कहा गया। अमात्य। अमात्य कहा गया। अब कह रहे हैं बच्चों किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया? तो बच्चों अशोक जो है कालिंग का युद्ध, जो कि उड़ीसा में कालिंग है, कालिंग जो उड़ीसा का नाम वही की जगह जो उड़ीसा में कालिंग स्थित है, तो कालिंग जब युद्ध किया तो उसमें तो अशोक विजयी हो गया, लेकिन वह जो वहाँ का जो सैनिक, वहाँ की जनता, बच्चे, औरत, बूढ़े, जवान जो भी मरे हुए थे उनको देखकर जो है उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो युद्ध से जो है कोसों दूर चले गए और महात्मा बुद्ध के शरण में वह आ गए और वह अहिंसावादी हो गए। यहाँ पे कालिंग लिखेंगे, कालिंग कलिंग 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 लिखते हैं। अब करा लास्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? तो बच्चों सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस जो थे उसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। लिखेंगे जेम्स प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसेप, इसको आप लोग क्लियर कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों हमने जो भी आपको अभी लिखवाया है वो आप लोग को क्लियर कॉपी में लिखना है और लिखने के बाद उसे भली भांति आप लोग याद भी करना, ठीक ना बच्चों? तो आज की वीडियो में इतना है। जय हिंद, जय भारत।